दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए पनीर पुलाव। दोस्तों आज जब इसको आप खाओगे ना तो दोस्तों आप जो मार्केट का बिरयानी है ना उसको भूल जाओगे। दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे वेज पनीर पुलाव बिरयानी बनाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा बिरयानी बना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक पैन लिया है। और दोस्तों इस तरह का अगर आप पैन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस द इंडस वैली की वेबसाइट पे जाके आप वहां पर ये पेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप अगर हमारा कोड वीरेन किचन यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पनीर के टुकड़े लिए हैं, और यहाँ पे देखिए तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 आइटम तैयार लिए, जैसे पनीर, सोयाबीन और प्याज के टुकड़े। इसके बाद दोस्तों आपको पैन लेना है, पैन में आपको ऑयल डालना है। ऑयल में दोस्तों आपको हल्का सा मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको पनीर को फ्राई कर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके पनीर को ऐड करूंगा, और पनीर को ब्राउन होने तक मतलब गोल्डन होने तक आपको इसको फ्राई करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दोस्तों इसी प्रकार से कुकिंग रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर है यहाँ पे अच्छे से गोल्ड हो चुका है, मतलब इस तरह आपको यहाँ पे पनीर को ब्राउन गोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें सेम बर्तन के अंदर आपको उसी ऑयल में आपको सोयाबीन को भी फ्राई कर लेना है। दोस्तों सोयाबीन को भी आपको उसी तरह फ्राई करना है जैसे गोल्डन हो जाएगा, इतना आपको फ्राई करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसको सोयाबीन को यहाँ पे इसमें फ्राई करता हूँ तो जितना भी मेरे इसके अंदर ऑयल था वो यहाँ पे सारा इसके अंदर एडजॉर्ब हो गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है। दोस्तों जब आप यहाँ पे अपने सोयाबीन को निकाल चुके होते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, सेम ऑयल और ऐड करना है, आपको बहुत ही कम मात्रा में ऑयल यहाँ पे ऐड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब ये ऑयल इसमें ऐड करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर जो प्याज है उसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। दोस्तों प्याज को आप बिल्कुल भी एक सिंगल लेयर है उसको अलग कर लेना है। आपको पहले एक बार प्याज को इस अच्छे से मिक्स करना है, हाथ से अपने रफ करना है, जिससे क्या होगा उसकी एक एक लेयर अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको सेम उसी तरह आपको गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेना है, और इसके बाद में इसको भी आपको अलग से निकाल लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी सेम पैन के अंदर जब आप इसको पूरे अपने जो प्याज है इसको बाहर निकाल लेना है बिल्कुल एकदम क्लियर। कुछ अगर कुछ इसके अंदर छूट भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं, आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए मैं पूरा प्याज है वो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको हरी मिर्च का तड़का लगाना है, और हरी मिर्च का तड़का लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, हरी मिर्च को भी हल्का सा आपको इसके अंदर फ्राई कर लेना है। अब दोस्तों जब अपनी हरी मिर्च है वो हल्की 50% तक जब फ्राई हो चुकी होगी तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने जो राइस है, क्योंकि दोस्तों अब हम यहाँ पे पनीर पुलाव बना रहे हैं तो यहाँ पे राइस आपको इसके अंदर डालना है। दोस्तों अब राइस का क्या करना है, दोस्तों मैंने जो अब राइस थे वो पहले से ही बॉइल कर लिए थे, मतलब दोस्तों मैं राइस पहले ही यहाँ पे पका चुका हूँ। दोस्तों आपको जो ये राइस है पहले ही पका लेना है ना, अलग से रख लेना है। यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मेरे राइस जो मैंने पका के रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो ज्यादा ना लगे, इसलिए मैं पहले ही आपको राइस पका लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से मिला लेना है, और इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों जब मिक्स करने के लिए आप इसके ना 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, है ना। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हल्दी डाल देना है कलर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं हल्दी डाल देता हूँ। हल्दी डालने के बाद दोस्तों आपको इसमें नमक डाल देना है स्वादानुसार, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लाल मिर्च पाउडर डाल देना है बहुत ही कम मात्रा में, और इसके बाद में दोस्तों आपको डालना है यहाँ पे धनिया पाउडर। और दोस्तों ये सब डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ, और दोस्तों इसको कुछ देर के लिए हम यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको पकने के लिए क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे टमाटर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे जो टमाटर वो यहाँ पे पानी छोड़ेंगे, जिससे जो हमारा मसाला है वो यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों कुछ देर के लिए इसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों कुछ देर के लिए कवर करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से 2 से 3 मिनट के बाद चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल भी हमारा जो पैन है उसमें नीचे है चावल वो बिल्कुल भी चिपके नहीं है, और इसको आपको मीडियम फ्लेम पर बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ है जो ऐड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जो सोयाबीन है जो हमने फ्राई किए हुए थे वो ऐड कर देने, इसके बाद साथ में ही आपको यहाँ पे पनीर
पनीर के टुकड़े हैं फ्राई किए, वो ये ऐड कर देने। और इसके बाद में आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चलाना है और इसको कवर करके रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कवर करके रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे जो प्याज फ्राई किए थे उसके ऊपर सजा दी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी जो वेज पनीर पुलाव है वो बना सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल एकदम मार्केट से भी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी है। जो वेज बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार आप अपनी वेज बिरयानी बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।